चविंदा जी आ गई, नाग जी जी आ गई, लक्ष्मणा जी आ गई, सभी ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। भगवान बोले, सुदामा दोनों हाथों से मेरी रानियों को आशीर्वाद दो। सुदामा जी भूल गए कि मेरे बगल में पोटली दब रही है। दोनों हाथों से कहा कल्याण वस्तु, जैसे ही दोनों हाथ उठाए बराबर में से पोटली निकल करके गिर पड़ी। भगवान ने उस पोटली को उठाया, उठा करके खोला, खोल करके देखा सुदामा जी की स्थिति का दर्शन कर रहे हैं और उस चावल की स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। उस पोटली में एक घर के एक प्रकार के चावल नहीं है, उसमें तीन घरों के तीन क्वालिटी के तीन प्रकार के चावल। भगवान समझ गए सुदामा जी के घर की स्थिति का दर्शन। जैसे ही वो भोजपत्र पड़ा, आत्मा हिल गई द्वारकाधीश की। उसमें लिख रहा था कि एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, हमारे घर गोपाल जी नित एकादशी होए। जैसे ही भगवान ने उसको पढ़ा, नेत्रों से अश्रु निकलने लगे गोविंद के। मनी मन सोचने लगे, मारे सुदामा कितने दिन से कष्ट पा रहे हो, कितने दिन से दुख पा रहे हो, पर मेरे द्वार पर नहीं आए, मुझसे एक बार चर्चा भी नहीं की, एक संदेशा तो भेज देते, सारे कष्टों को सारे दुखों को मैं यूं ही मिटा दूं। तुरंत मन ही मन सुदामा जी को आशीर्वाद दे दिया और अपनी भाभी को समस्त संपत्ति प्रदान कर दी। कहने लगे भगवान कि एक मास दो पक्ष में दो एकादश होए, अब तुम्हारे घर भाभी जी नित्य द्वादशी होए। बोले भाभी, आज से एकादशी नहीं, आज से रोज द्वादशी होगी। ब्राह्मण जीवेंगे, संत जीवेंगे, ब्राह्मण जीवेंगे और तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लगी रहेगी। मांगने वाले नहीं थकेंगे तो तुम देने में भी नहीं थको। इतना कहकर के भगवान द्वारकाधीश ने एक मुट्ठी चावल लेकर के मुख में डाल ली, दूसरी मुट्ठी चावल ली मुख में डाल ली, पहली मुट्ठी चावल खाई एक लोग की संपत्ति प्रदान की, दूसरी मुट्ठी चावल खाई द्वारकाधीश ने दो लोग की संपत्ति प्रदान कर दी, तीसरी मुट्ठी जैसे ही उठाई रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। द्वारकाधीश क्या कर रहे हो, क्यों रुक्मणी मुझे मत रोको, आज मेरे मित्र निर्धनता को दूर कर रहा है, आज चल करके मेरे पास आया है, और यदि आज मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरी मित्रता बेकार है, मेरे इसके संबंध बेकार। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहो नाथ कहा हर ने चित धारी, तंदुल खाए मुठी प्रभु ने दुई, ये लोक बिहारी। खाय मुठी तीसरी अभनाथ, कहा निज पास की आस बिचारी, रंग ही आप समान कियो, का चावत आपन होन भिकारी। गोविंद क्या चाहते हो, दो लोग की संपत्ति तो दे चुके हो, जो भिकारी था रंग कहीं आप समान कियो, बोल जो भिकारी था वो तो आपने अपने समान कर लिया, आपने बराबर कर लिया, उसको भी राजा बना दिया। अब क्या खुद भिकारी होना चाहते हो। भगवान द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी की बात को मान ली, मानना पड़ता है जी, होम में रहना है तो होम मिनिस्ट्री के हर ऑर्डर को मानना पड़ा है, होम में रहना है तो होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर को तो मानना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी, या तो प्यार से मान लो नहीं तो घुर्रा के तो मनवाई लेगी। एक नेताजी थे,
बड़े घुर्राते थे बार बार। सब लोग कहते नेताजी बड़े घुर्राते हो। बोले हम शेर हैं, शेरों की तरह चलते हैं, शेरों की तरह काम करते हैं। अब एक बेचारा चमचा एक दिन नेताजी के साथ घर चला गया। घर पे देखा तो नेताजी भीगी बिल्ली बने हुए थे। अब नेताजी बाहर आए तो उसने फिर नेताजी ने अपनी नेताजीपना फैलाना प्रारंभ किया। उस चमचे से रहा नहीं गया, उसने कह दिया कि बोले नेताजी बाहर तो बड़े शेर बने घूमते हो, घर में जाके क्या हो जाता है आपको? राधे राधे। नेताजी से चमचा पूछ रहा है कि बोले नेताजी घर के बाहर तो बड़े शेर बने घूमते हो, घर में जाके क्या हो जाता है? नेताजी बोले भैया शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर घर पे मेरे ऊपर भवानी सवार हो जाती है। भगवान द्वारकाधीश ने भी रुक्मणी जी की मान ली। सुदामा जी लौट करके आए, सुशीला जी ने सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी को समझने में देर न लगी। सुशीला जी बोली सुदामा जी महलों में चलो प्रभु, भगवान ने इतनी संपत्ति दी है। बोले सुशीला ये संपत्ति मुझको नहीं दी, करने से भंडारे में देने से शुद्ध होती है। आप लोगों से भी निवेदन है, कल यहां भंडारा होने जा रहा है, जो भी लोग चाहे यथाशक्ति आटे की, तेल की, पत्तल की, दोना की, घी की, मसाले की, जो सेवा देना चाहे वो काउंटर पे लिखाएं और अपनी लक्ष्मी को शुद्ध करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप लोगों के द्वारा जो सामग्री दी जाएगी ये आप लोगों के मध्य में ही कल प्रसादी बनकर के बांट दी जाएगी। ना तो इसको आप लोग अपने घर ले जाओगे, ना मैं अपने घर ले जाऊंगा, ना ज्योति बाबू घर ले जाएंगे, ना शशि बहन ले जाएंगी, ना यहाँ का और कोई व्यवस्थापक ले जाएगा। ये सब आप लोगों का ही काम आएगा। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत और खारी चिड़िया भर भर को। प्रेमियों, उसके पश्चात सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के लिए कुरुक्षेत्र की कथा श्रवण कराई। ठाकुर जी कुरुक्षेत्र पधारे, वहां पर सारी पत्नियों से द्रौपदी जी ने पूछा कि भगवान आपको कैसे प्राप्त हुए। उसके पश्चात में भगवान द्वारकाधीश ने अपनी बहन का विवाह, सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी के साथ में संपन्न कराया। इस कथा को भी भगवान ने विस्तार से राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराया। वसुदेव जी ने ऋषियों से प्रश्न किया, बोले ऋषियों मैं अपनी मुक्ति का क्या साधन करूं, मैं अपनी मुक्ति का साधन चाहता हूं। नारद जी ने कहा वसुदेव जी आपके तो घर में ही मुक्ति का साधन बैठा है, बस कष्ट इस बात का है कि आपने उस पर ब्रह्म को अपना पुत्र मान लिया। यदि आप उसको पर ब्रह्म मानेंगे तो आपकी मुक्ति सहज हो जाएगी। कैसे? जैसे किसी जौहरी के यहां पर हीरा मोती पन्ना माणिक और लाल हो और वो जगह जगह मांगता डोले के भैया कोई मुझे लाल दे दो। लाल जानते हो आप लोग? किसी ने देखा है लाल, सुना है लाल के बारे में? क्या तो मारवाड़ी लोग जानते होंगे कि जौहरी लोग जानते होंगे लाल के बारे में? हर कोई तो नहीं जानता। लाल एक ऐसा नग होता है, एक ऐसी मणि होती है जो कि हीरा से भी कई गुना ज्यादा कीमती होती है।
यदि एक लाल रख दिया जाए तो शायद पूरा उतना खरीद लिया जाएगा, सूरत तो नहीं उतना खरीद लिया जाएगा पूरा, इतनी कीमत होती है एक लाल। बेशकीमती होते हैं लाल। भारतवर्ष में केवल 3-4 खजाने ऐसे हैं जिनमें लाल आज भी विद्यमान है। बताऊं, सबसे पहले नाथद्वारा में लाल है, हमारे द्वारकाधीश मंदिर में लाल है, तिरुपति बालाजी में लाल है, और श्री बद्रीनाथ में लाल है। इन 4 स्थानों पर आज भी लाल इनके खजानों में विद्यमान है। और दक्षिण में जो मंदिर खुला था ना, उसका क्या नाम था, इसके 7 दरवाजे थे, पद्मनाभ मंदिर, उसमें भी बहुत से लाल विद्यमान है। तो प्रेमियों, वसुदेव जी कह रहे हैं कि बोले आपने अपने पुत्र को एक साधारण लाल मान लिया है, आप यदि उसकी कीमत पहचान जाओगे ना वसुदेव जी, तो आपकी मुक्ति बड़ी सहज हो जाएगी। कबीरदास जी ने लिखा इस विषय में कि मेरे सदे गुरु दैय बताए दे लाली लाल देगी, मेरे सदे लाल हम सबके पास, सबके पल्ले लाल है सभी का हुकार, सबके पल्ले लाल है सभी का हुकार, सबके पल्ले लाल है सभी का हुकार। काट खोल दे काट ही रे, काट खोल दे काट ही रे, इसे दिल हो गई भारत लाल साधन बता दो, घर में साधन नहीं है।
भगवान की।